ते एक जयकारा पूरी जोर दी आवाज दे विच चढ़दी कला वाला जिहड़ा दसम पातशाह दे बच्चे गजाया करदे सन चमकौर दी जंग दे विच आनंदपुर साहिब दे विच बुलंद आवाज दे विच चढ़दी कला दा जयकारा क्योंकि जिस दी जबान ते चढ़दी कला उसकी हर मैदान में चढ़दी कला चाहे तुसी कम करदे हो कोई अगर आप बिजनेसमैन हो पढ़ते हो पढ़ाई करते हो कुछ भी करते हो अगर आप सुबह चढ़दी कला वाला काम कोई सोच के जाओगे तो आपकी पूरी हो जाता है वो सारा। अगर आप दूसरे तरीके सोचोगे तो आपको हार ही हार मिलेगी। सो इसके लिए कोई भी कार्यक्रम चढ़दी कला वाला होना चाहिए और आज बेशक थोड़ी संगत कम है लेकिन फिर भी जोश उतना ही चाहिए, उतनी ही चढ़दी कला चाहिए जितनी के अगर पंडाल भरा होता तो होती। बोले सोनिहाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। पहले तो धन्यवाद दर्जा प्राप्त मंत्री विक्की छाबड़ा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके बुलाया और हमारे कार्यक्रम का इनको पता चला। पहले प्रयागराज, आगरा, झांसी, कहीं कहीं भी कोई जगह छोड़ने नहीं वाले, ये सभी जगह हमारा प्रोग्राम कराएंगे और आज हम आपके बीच पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम हिंदी में है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में हम सभी सिख जानते हैं। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता तो अपना हाथ खड़ा कर दे, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना, चलो एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। आज जो आप इस कार्यक्रम में देख कर जाओगे, ये लिख लेना मेरी बात और मैं दावे से कहता हूँ कि चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई भी है, सारी जिंदगी उसको भूल नहीं सकेगा। आप किताब पढ़ते हो भूल जाओगे लेकिन ये जो कार्यक्रम देखोगे आप भूलोगे नहीं। हमने हिंदी में तैयार किया ताकि दूसरे लोगों को जो पंजाबी नहीं जानते उनको भी गुरु साहिब के शहादत के बारे में पता लगना चाहिए। दुनिया में एक वाहिद शहादत है, सिर्फ एक शहादत, गुरु तेग बहादुर जी और तीन सिखों की, जिन्होंने दूसरों के लिए, मानव अधिकारों के लिए, भले ही मैं उनके विचारों सहमत नहीं हूँ, मैं जिन्हें नहीं पहनता लेकिन उतारने भी नहीं दूंगा, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है और आज सारी दुनिया इस बात को मानती है। गुरु तेग बहादुर जी ने 400 साल पहले अपनी शहादत देकर उसका सबूत दिया जिसको दुनिया ने 400 साल बाद अपनाया। सो मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद विक्की छाबड़ा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाबी अकादमी का, जिन्होंने हमें पंजाब से यहाँ पर बुलाया और इतना, लेकिन हमारे मन में भी पूरा जोश और जुनून था। कल सुबह 7 बजे बस लेकर आए और सारी रात ना कुछ सोना ना कुछ, और आज सुबह 7 बजे आपके पास पहुँचे। लेकिन आप कार्यक्रम ध्यान से देखना, भूलोगे नहीं और मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी उठेगा नहीं। एक जयकारा जोरदार गुरु साहिब दे नाते, बोले सोनिहाल। असल में कुछ लोगों ने हमको टोका भी, गलत भी कहा, लेकिन सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, वो कहने लगे नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है। मैं कह नहीं, इस्लाम के खिलाफ कहाँ शहादत दी गुरु साहब ने। भाई मर्दाना मुसलमान था, साईं मियां मीर ने दरबार साहब की नींव रखी, पीर बुद्धू शाह मुसलमान था, गनी खां नबी खां मुसलमान थे, इस्लाम के खिलाफ सिखी कभी नहीं थी। लेकिन जो क्रूर शासक था औरंगजेब, उसके खिलाफ हम जरूर थे। अगर कुछ लोग उस क्रूर शासक को अपना रहनुमा मानते हैं तो उन पर तरस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। कहने को तो औरंगजेब टोपियां सी के गुजारा करता था, कुरान शरीफ लिखकर बेचकर उसके गुजारा करता था, लेकिन ये तो एक नैरेटिव है जो बनाया गया लोगों को दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इस्लाम का पैरोकार है, एक साधारण सा आदमी भी है, छोटा मोटा काम करता है एक मुसलमान, क्या वो अपने बाप का कत्ल कर देगा? क्या वो अपने भाइयों को मरवा देगा? लेकिन अगर किसी ने अपने भाइयों को मरवाया, अपने बाप का कत्ल किया, तो यकीन जानिए वो सच्चा मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने कहा था ना, जब मुसलमानों ने पूछा मक्का में, हिंदू अच्छे हैं या मुसलमान, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां, शुभ अमलां बाजों दोनों रोही।
अच्छा तो वही है जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके काम अच्छे हैं। जिसके काम अच्छे नहीं, जो मर्जी मारे जैसा पहन ले, चाहे जो मर्जी पहन ले, वो अच्छा नहीं हो सकता। रिश्वतखोरी करने वाला, दूसरों हक मारने वाला, दूसरों के लिए अपनी आवाज़ ना उठाने वाला, देखकर चुप रह जाने वाला, वो सिख नहीं हो सकता। मैं फिर कहूँगा, एक जयकारा के जाओ, 5 मिनट के लिए गतका होगा और उसके बाद हमारा कार्यक्रम लगातार चलेगा। आराम से बैठे रहना। अगर आपके पड़ोसी के पास मोबाइल है तो उसका मोबाइल बंद कर दो, अपना बेशक रहने दो, क्योंकि अपना मोबाइल बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरे का तो कर सकते हैं। बोले सोनिहाल, तो पेश करते हैं गतका। तुम सब को उपराज ही, तुम ही देव हो उदार।
ਕਰਕੇ
बड़ा आऊगा चढ़ के, जाऊंगा चढ़ के, सेना हरेगा, करने लाला मरेगा, जंग मरेगा तो करेगा, सबके चला जावे, गुरु अर्जुन साहब के मानता हुए न्याल हो जावे, धनिया शातियां, मैन मतवाले, बेटा छतन वाले, ये गुरु रखवाले, पर पर पीन कर्मा दे प्यारी, जोर जोर मर्म कर्मा दे मारे, रूमा दी खटी जाने जावे, ये मैं छोने में तो रहा जावे, बंदे नू वड़ वड़ चिंता जावे, कईयां नू खाई, कईयां नू खाई जांदिया, बाद मोड़ तो, की मंगी जायन, सरकार, मोड़ा ने उसने खलोती ना, बाद के रहना, जाग वो चार हो गए रहना, राज के जगारा जावे, बाबे भी नहीं जाते मन पावे, श्री सैम तेरे नक नू, सूखा तेरे हाथ नू, मानदा फिरे जगत नू, पीला नहीं खालसे ना आज के, तैन काटला तूड़ी आवे अपने बाढ़ के, जन में द्रोड़ खाओगा आऊगा चढ़ के, लंगे गुच्छे नू ला तू फर के, जरा आऊगा चढ़ के, जाऊंगा चढ़ के, खालसे ना आएगा, करने लाला मरेगा, जंग मरेगा तो करेगा, सब के चला जावे, गुरु अर्जुन साहब के मान पावे, न्याल हो जावे, धनिया शातियां मैन मतवाले बेटा छतन वाले ने गुरु रखवाले पर पर पीन कर्मा दे प्यारी चोर चोर मर्म कर्मा दे मारे रूमा भी खटी जाने जावे ये मैं छोने नू तो रहा जावे बंदे नू वड़ वड़ चिंता जावे कईयां नू खाई कईयां नू खाई जांदी आ बाद मोड़ तो की मंगी जायन सरकार मोड़ा ने उसने खलोती आ बस के रहना चार वो चार हो गए रहना राज के जगारा जावे बाबे भी नहीं जाते मन पावे जरा मचना जगे उन्हों आखिरा मुकुरा मुकुरे का ना बुरा ओदे मत्थे लगना बुरा जरा अमर जाके राज ना रखे अमर कसा ना करे उन्हों आखिरा कच्चा पिंडा के लामचा जरा अमर जाके छाटवे उन्हों कही रा दबू को सिंह कितना हम तो ही दे नहीं दे लंगी पूछी जरा गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा प्यार जीता वो चार बोर्ड चार राज के जगारा जावे नाल हो जावे हजूर साहब मुसलमान का मक्का मुख मानना पार के ना तो मुसला पक्का द्वारे तुम दिए खे मजे सुने तेरे सुने खड़ा ठाने ने ठाना 36 साल तेन सत्संग जी इन्हों बच्चों वास्ते जोरदार तालियां ते जोरदार जयकारा भी बोले सोनिहाल एक कोई बच्चा स्कूल च पढ़ता है कोई कॉलेज पढ़ते हैं लेकिन साढ़े नाल जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें बच्चों से इन्हों की पैटर्न करके बहुत ही मैं माण महसूस हों के बच्चे भी मेरे नाल ने गुरु साहब की खाकी सुनाने के लिए बेटे जी मैं ठीक करा दो फटाफट हाँ सत्संग जी मैं आपको एक बात और बता दूँ उत्तर प्रदेश का हमारे नाट्यकर्मियों के साथ बहुत गहरा संबंध भी है एक बहुत बड़ी शख्सियत है लखनऊ की आत्मजीत सिंह जी सभी जानते हैं लखनऊ वाले वो भी और उनके साये में भी हमारे कलाकारों ने काम किया है और उसके अलावा एक और बड़ी शख्सियत है बनारस की कुंवर जी अग्रवाल उनके साथ भी हमारे कई आर्टिस्टों ने काम किया है सुबह हम मिलने भी जाएंगे बहुत बुजुर्ग हैं और अभी अभी उन्होंने एक किताब लिखी है काशी के रंग कुंवर जी के संग सो कहने का भाव मेरा यही कि बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट जो हैं बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जो हैं कला के
उनका हमारे आर्टिस्टों के ऊपर हाथ है। लेकिन और मेरी खुशनसीबी यह है कि ये सभी सिख इतिहास सुनाने और दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक जोरदार जयकारा हमारे आर्टिस्टों के लिए, आप दांतों तले उंगलियां चबा के रह जाओगे। बोले सोनिहाल। बस एक मिनट में हाजिर हो रहे हैं और पेश करते हैं प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, और आप गुरु तेग बहादुर जी की जीवन गाथा में खो जाओगे। तो लो शुरू करते हैं प्रगट भये गुरु तेग बहादुर। पंजाबी रंगमंच पटियाला प्रस्तुत करता है प्रगट भये गुरु तेग बहादुर। प्रगट पाए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पैटापी चादर। श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। तन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदियावे ताए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदियावे ताए। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। धर्म हेत साका जिनकी आसीस दिया पर सिर ना दिया। सिर न दिया शीस दिया पर सिर न दिया। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी। शीस दिया पर सीना उचरी। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। धन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। दिल के झंझूरा खा प्रभु ताका कीनो बड़ो कलू मैं साता। दिल के झंझूरा खा प्रभु ताका कीनो बड़ो कलू मैं साता। धन श्री गुरु तेग बहादुर,
अमृतसर फिफ्टी द कर गुरु की नगरी श्री अमृतसर, जिसके दर्शन स्नान हम हर रोज अरदास में मांगा करते हैं। इसी अमृतसर शहर को बसाने के दौरान गुरु रामदास जी महाराज ने अमृत सरोवर के पास ही अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार करवाई, जिसे गुरु की संगत प्यार से गुरु का महल कहने लगी। इसी गुरु के महल में गुरु अर्जन देव जी और श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपना निवास रखा और यहीं पर 1 अप्रैल 1621 को अमृत बेला में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का प्रकाश हुआ। प्रगट पाए गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पे टापी चादर। कहते हैं कि बचपन में गुरु जी का नाम त्यागमल रखा गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी केवल त्याग की मूर्त ही नहीं थे, वो तलवार के धनी भी थे। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद गुरु तेग बहादुर जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद जी का मुगल हुकूमत से टकराव अभी तक चल रहा था। फलस्वरूप पिता गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर छोड़कर गुरु अर्जुन देव जी द्वारा जालंधर की बगल में बसाए गए एक नगर करतारपुर में रहने लगे। यहीं पर बेटे तेग बहादुर जी की शादी माता गुजरी जी के साथ कर दी गई, लेकिन यहां पर भी मुगल सेनाओं द्वारा गुरु हरगोबिंद जी पर हमला कर दिया गया। पिता गुरु पर हमला होता हुआ देख भला उनके सपुत्र तेग बहादुर जी कैसे चुप रह सकते थे। पूरे जोश और जयकारों के साथ गुरु तेग बहादुर जी भी जंग में कूद पड़े और करतारपुर की गलियों में घमासान का युद्ध हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गुरु तेग बहादुर जी की अभी नई नई शादी हुई थी, उन्हें जंग छोड़कर वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बोले, नहीं, अभी जंग खत्म नहीं हुई। असली योद्धा जंग जीत कर वापस आता है या मैदाने जंग में शहीद हो जाता है। गुरु तेग बहादुर जी बहुत बहादुरी से लड़े और बैरियों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुगल सेनाएं हार कर भाग खड़ी हुई और गुरु पातशाह की फतेह हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पिता गुरु हरगोबिंद जी बेटे की बहादुरी को देखते हुए गदगद हो उठे और उन्होंने बालक का नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। पिता गुरु हरगोबिंद जी के ज्योति जोत समाने के उपरांत गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी और पत्नी गुजरी जी के साथ बकाला में रहने लगे थे। बकाला में आप लगभग 20 बरस तक सिमरन और भक्ति में लीन रहे। सन 1664 ईस्वी में गुरु हरकृष्ण जी ने आपको गुरुता गद्दी का वारिस घोषित करते हुए कहा, बाबा बकाले, और सारी संगते तुरंत बकाला की ओर उमड़ पड़ी। बकाले चलो, संगते बकाले चलो, संगते बकाले, हाँ हाँ चलो संगते बकाले। बाबा वसे ग्राम बकाले, बण गुरु संगत आप संभाले। बाबा वसे बकाले, बाबा वसे बकाले, बाबा वसे बकाले। डर
दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए रब मेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। संगत जी, मैं मक्खन शाह लुबाना, गुरु घर का सेवक। गुरु जी का निवास स्थान कहाँ पे है? बकाले में। मैं भी गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ। चलो शाह जी, आप भी हमारे साथ चलो। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए रब मेरा, दर्शन देख जीवा। अरे किधर जा रहे हो भाई? बकाले, गुरु जी के दर्शन को। इस गुरु के दर्शन को? क्या मतलब, गुरु तो एक ही है। नहीं भाई, बकाला में तो बहुत सारे नकली गुरु बने बैठे हैं। तो सच्चा गुरु कौन है? सभी कहते हैं कि हम सच्चे गुरु हैं। भाई मैं तो निराश होकर लौट आया हूँ। पर भाई, सच्चा गुरु तो दिल की बातें जानता है। हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। हाँ हाँ, हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। हाँ हाँ, हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए रब मेरा, दर्शन देख। अरे महाराज, बहुत दूर से आए लग रहे हैं आप। गुरुजी के दर्शन पाने हैं तो इधर आ जाइए। आइए, आपके हाथ धुलवाऊं मैं। नहीं नहीं भाई, इधर आइए, सच्चे गुरु तो इधर हैं। अरे क्या सोच रहे हैं भगत जी, अरे आप इधर आइए, आइए आपके हाथ धुलवाऊं मैं, इधर आइए आइए। अरे भैया, मैंने आपको कहा ना, सच्चे गुरु इधर हैं, आप इधर आइए मेरे। अरे नहीं नहीं, आपको वैसे उलझा रहा है, आप हमारे पास आइए। देखिए देखिए, हमारी बात सुनिए महाराज। सियाने लोग कहते हैं, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। मेरा पीछा छोड़ो पाखंडियों। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे ग्राहक की तरफ मत देखा करो। वो भगत जी मेरी तरफ ही देख रहे थे जब आ रहे थे। कहाँ देख रहे थे तुम्हारी तरफ, वो मेरी तरफ आ रहे थे यार। अरे तुम हर बार जो भगत मेरी तरफ आता है उसमें अपनी टांग अड़ाते हो। मैं कहाँ टांग उड़ाता हूँ, तुम पूरे के पूरे खुद अटक जाते हो बीच में आके। अरे तुम मेरी भक्तों पे नजर मत रखा करो। तुम रखते हो भक्तों पे। हे बाबा नानक, यहाँ तो एक से बढ़कर एक पाखंडी है। सच्चा गुरु कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? काहे रचियो निमख न होए उदास, कहो नानक पज हर मना, पर न जम की पास। इतनी मधुर वाणी है। क्यों ही गयो लियो जरा तन जी। सचमुच ये तो जीवन का सत्य है। भाई साहब, ये मधुर वाणी की आवाज कहाँ से आ रही है? वो सामने गुरु तेग बहादुर जी के भोरे से। क्या जी, आप कैसे कह सकते हो कि साचा गुरु मिल गया? संगत जी,
मेरा जहाज गहरे समंदर में फंस गया था और फिर इतना भयानक समंदरी तूफान है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मेरा जहाज डामाडोल हो रहा है। लग रहा है कि मेरा जहाज डूब जाएगा। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मेरा बेड़ा पार लगाओ। हे गुरु नानक, मुझे इस संकट की घड़ी से बाहर निकालो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं 500 मोहरे गुरु चरणों में भेंट करूंगा, मेरा बेड़ा पार लगाओ, मेरा बेड़ा पार लगाओ। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी ना। है ये झटका कैसा, जैसे किसी ने मेरे बेड़े को ऊपर उठा दिया हो। है ये क्या, तूफान थम गया और मेरे मलाहा और मेरा सामान भी सुरक्षित बच गया। मेरा बेड़ा पार हो गया। धन्य गुरु नानक सच्चे पातशाह, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। और संगत जी, जब मैं दर्शन भेटा 500 मोहरे लेकर आया तो मुझे पता चला कि 9वें गुरु तो बकाला में है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो बहुत सारे नकली गुरु बने बैठे थे। मैंने सबके आगे 2-2 मोहरे रख दी, लेकिन जब मैंने सच्चे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के आगे 2 मोहरे रखी तो गुरु जी ने कहा, भाई मक्खन शाह, तूने तो गुरु घर के लिए 500 मोहरे मानी थी और अब सिर्फ 2 मोहरे। संगत जी, सच्चा गुरु दिल की बातें जानता है। गुरु लाधो रे। धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर। गुरु ता गद्दी पर विराजमान होते ही गुरु तेग बहादुर जी पंजाब के अलावा पूर्वी भारत में दूर दूर तक सिखी का प्रचार करते हुए मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, सासाराम, गया, पटना और ढाका से होते हुए असम तक पहुंचे। परंतु इसी दौरान हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया, मंदिर गिराए जाने लगे और हिंदुओं का जबरी धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। आओ काजी मुल्क, आओ काजी साहब।
हम आपके साथ एक जरूरी मशवरा करना चाहते हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। काजी साहब, मैं मुगलिया हुकूमत के शमाल से लेकर जनूब तक, मगरब से लेकर मशरक तक हर बशर को मुसलमान देखना चाहता हूँ और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहता हूँ। गोया के ये काफिर हिंदू भारी संख्या में हैं। इनको इस्लामी परचम तले लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए काजी साहब? वाह, हुजूर का ख्याल तो बहुत ही नेक है। हुजूर का हुक्म सुनते ही मेरे दिमाग में कई मंसूबे गर्दिश करने लगे। क्या मंसूबे हैं काजी साहब, जरा बताओ तो सही। हुजूर, इन काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए शरई कानून सख्ती से अमल में लाना चाहिए। जरा तफसील से बताइए काजी साहब। हुजूर, शरई कायदे के मुताबिक इन काफिर हिंदुओं के तिलक मिटा दिए जाएं, मूर्तियां तोड़ दी जाएं, मंदिर गिरा दिए जाएं और इन गिराए मंदिरों की जगह आलीशान मस्जिदें तामीर कर दी जाएं, ताकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अजान ही अजान सुनाई दे। बहुत खूब। हुजूर, इनके बच्चों को काफराना तालीम और तहजीब से महरूम कर दिया जाए। वो कैसे काजी साहब? इनके तालीमी अदारे यानी के पाठशालाएं बंद कर दी जाएं, ताकि इनके बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। मदरसों में जब इनकी नई नस्ल दीने इस्लाम के रंग में रंग गई, फिर भला हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनने से कौन रोक सकता है? कमाल का मशवरा है काजी साहब। हुजूर, ये भी ऐलान कर दिया जाए कि दीने इस्लाम कबूल करने वाले हिंदुओं को इनाम व करम से माला माल कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और दरबार में इज्जत भी बख्शी जाएगी। बहुत खूब। एक मशवरा और है हुजूर। बताइए 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 काजी साहब। हुजूर, इन हिंदुओं में सिर्फ पंडित ही आलिम फाजल होते हैं और ये हर काम उनसे पूछ कर करते हैं। हुजूर, अगर सबसे पहले इन पंडितों को ही मुसलमान बना दिया जाए तो बाकी हिंदू तो खुद ब खुद मुसलमान बन जाएंगे हुजूर। बात तो तुम्हारी ठीक है काजी साहब, लेकिन इन पंडितों में भी क्यों ना सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को ही मुसलमान बनाया जाए, वो कुछ ज्यादा ही अकलमंद हैं। बहुत खूब कहा हुजूर आपने। हुजूर, इन कश्मीरी पंडितों को डराया जाए, धमकाया जाए और जलील किया जाए, मगर इन्हें दीने इस्लाम जरूर कबूल करवाया जाए। जो भी इनकार करे उसे तशद्दत भरी मौत दी जाए। अमा अल कतल व अमा अल इस्लाम, यानी के इस्लाम कबूल करो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। वाह वाह काजी साहब, बहुत खूब कहा आपने। अब हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए हर मंसूबा अमल में लाया जाए, ये हमारा हुक्म है। सुनो सुनो सुनो, बादशाह हिंद का नया फरमान सुनो। हिंदुओं पर जजिया फिर से लगा दिया गया है। हिंदुओं को अब हर किस्म का लगान दोगुना देना पड़ेगा और मुसलमान भाइयों का सारा लगान माफ कर दिया गया है। सुनो सुनो सुनो, इस्लाम कबूल करने पर हिंदुओं का सारा कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा और सरकारी मान सम्मान के अलावा नगद इनाम भी दिए जाएंगे और मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। सुनो सुनो।
सुनो 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 सुनो। जन्नत मिलेगी वो भी मरने के बाद, जीते जी तो नरक भोग रहे हैं इनके राज में। अरे ये तो घोर जुल्म है हिंदुओं पर, सरासर ना इंसाफी है, धक्केशाही है। अरे आखिरकार हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम हिंदू होने के कारण जजिया क्यों दे भाई? हमें अपनी फरियाद बादशाह से करनी चाहिए। करके देख लो फरियाद, कोई सुनवाई नहीं होगी। बादशाह तो बहुत काट खाने वाला है, मार मार कर भगा देगा, कोड़े खाने पड़ेंगे कोड़े। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, औरंगजेब हमारा भी तो बादशाह है, वो हमारी फरियाद को अनदेखा नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ ना, हमें भारी तादाद में हिंदू इकट्ठे करके बादशाह के पास फरियाद करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह ही बादशाह के पास फरियाद लेकर चलते हैं। हाँ चाचा चलते हैं। चलो, हाँ, चलो भाई चलो भाई चलो, 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 चलो। हुजूर 8,000 हिंदू फरियादी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये काफिर? ये चाहते हैं हुजूर कि जजिया माफ कर दिया जाए। क्या कहा, जजिया माफ कर दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। शेख मैं हर किस्म का ज़कात माफ कर सकता हूँ, पर जजिया हरगिज नहीं। मैं जजिये की वसूली में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेख इन काफिरों की भीड़ को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाए। जो हुक्म आली जा। सिपाहियों कुचल दो इन काफिरों को। और इस तरह लोगों की आवाज को दबाया जाने लगा। बेबस और लाचार हो चुके लोग बस खून के आंसू पीकर रह जाते। औरंगजेब का एक खास मनसबदार साकी मुस्ताद खान अपनी किताब मासरे आलमगीरी में लिखता है कि अकेले मेवाड़ में ही 240 मंदिर नेस्तो नाबूद कर दिए गए। एक जगह और लिखा है कि बादशाह को खबर दी गई कि बुतखाना एक काशी विश्वनाथ यानी के काशी विश्वनाथ का मंदिर भी गिरा दिया गया। वो तो मथुरा का केशवराय मंदिर गिराए जाने का जिक्र भी करता है। वो कहता है कि सन 1670 रमजान के महीने में शरीयत के रक्षक बादशाह औरंगजेब के हुक्म से मथुरा का एक बहुत बड़ा मंदिर केशवराय मंदिर गिरा दिया गया और उसकी जगह एक मस्जिद तामीर कर दी गई। इस किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि केशवराय मंदिर की सभी छोटी बड़ी मूर्तियां आगरा ले जाकर बड़ी मस्जिद के पायदान के तले दफन कर दी गई। मंदिर गिराए जाने के साथ साथ हिंदुओं का जबरी धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था और वादी कश्मीर में हालात तो बहुत बदतर हो चुके थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। है पंडित जी ये क्या हुलिया बना रखा है, ना माथे पे तिलक ना गले में माला। ये मुगलों की हुकूमत है भाग्यवान, इनकी हुकूमत में तो हिंदुओं की सांसें ही थमी हुई हैं।
मुगल सिपाही रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए अगर भेष ना बदला जाए तो क्या किया जाए? इन मुगल हाकमों को कोई रोकने वाला नहीं है क्या? अरे लाजवंती, इन मुगल हाकमों को किसने रोकना है? वो क्षत्रिय जिन्होंने गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी थी, उनकी बहादुरी तो कहीं पंख लगाकर उड़ के लगती है। अब तू ही बता, हम ब्राह्मण करें तो क्या करें? जैसे कैसे समय निकालो, इसी में ही अपनी भलाई है। अच्छा लाजवंती, मैं जरा शहर की ओर जा रहा हूँ। जरा ठहरो तो, मेरी बात सुनकर जाना। बोलो क्या बात है? माहौल बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना, सिपाहियों से दूर ही रहना, सिपाही दिखे तो रास्ता बदल लेना। अच्छा ठीक है। ये अशर्फियां भी रख लो, अगर सिपाही पूछ पड़ताल करे तो ले देकर पीछा छुड़ा लेना। मेरी बात समझ गए ना? अरे ये जनेऊ तो अंदर कर लो, बाहर ही दिख रहा है। अच्छा अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, जल्दी लौट आना। लाजवंती तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। हे राम, इनकी रक्षा करना। करमदीन, ओ करमदीन। जी जनाब। उधर क्या देख रहे हो? मैं तो जरा वादी कश्मीर की खूबसूरती में खोया था। करमदीन अपने काम पर ध्यान दे। जी जनाब। करमदीन पहरा ध्यान से देना, कोई काफिर बच के नहीं निकलना चाहिए। जी जनाब ऐसा ही होगा। बादशाह का हुक्म है इन काफिरों को जबरन मुसलमान बनाया जाए, और जो भी इनकार करे उसे तो। करमदीन, करमदीन जल्दी इधर आओ। जी जनाब। वो सामने राही चला जा रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान? जनाब मुसलमान है। नहीं हिंदू है वो। हिंदू? जनाब मुझे तो मुसलमान दिखता है। मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, जा पकड़ कर लाओ से। अभी जा रहा हूँ जनाब। ये कल के छोकरे क्या जाने काफिर कैसे पकड़ा जाता है। अरे चल अरे हट, मेरे कसूर तो बताओ क्या किया है मैंने। चल दरोगा के पास, तेरा कसूर भी बताते हैं। जनाब इसका हुलिया तो देखो, मुसलमान ही तो है, ना गले में माला ना माथे पे तिलक और सर पे हरे रंग का मुसलमानी साफा। तू कल का छोकरा, नई नौकरी, बादशाह के हुक्म तो तुम्हें याद ही नहीं रहते। बादशाह सलामत का हुक्म है, चार उंगल से ज्यादा कोई दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता, इसकी दाढ़ी तो नाप जरा। अभी मापता हूँ जनाब। दाढ़ी तो इसकी लंबी है और गले में ये धागा सा लटक रहा है। धागा? अरे अरे ये तो पक्का सबूत है पंडित होने का। ये तो जनेऊ है, जनेऊ यज्ञोपवीत। करमदीन मुझे इसकी धोती का पल्लू भी कुछ भारी भारी सा लग रहा है, तलाशी ले इसकी। अरे निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, चल जल्दी निकाल निकाल। जनाब ये लो अशरफियां हैं। जनाब सोने की अशरफियां? Ha 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 ha!
देखा फिर हमारे तजर्बे का करिश्मा। और तलाशी ले इसकी, अब जो कुछ भी निकले वो तुम रख लेना। जी जनाब। अरे निकाल जल्दी जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। जनाब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। मुझे अपने घर जाने दीजिए, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं जनाब। भेजते हैं तुझे तेरी बीवी और बच्चों के पास। चल करमदीन, इसे हवालात में बंद कर दे। जी जनाब। अरे चल, अरे चल मेरे साथ, क्या औरतों की तरह रो रहा है। अरे चल चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो। काफिर पंडित पकड़ा है, सरकार से भी इनाम तो मिलेगा ही। इलमदीन, ये क्या माजरा है? हजूर, एक काफिर पंडित पकड़ा है, सर पे हरा साफा बांधकर मुसलमान होने का ढोंग कर रहा था, अपने करमदीन से तो पहचाना ही नहीं गया। मुझे उसकी लंबी दाढ़ी पर शक हुआ, बस पकड़ लिया और तलाशी लेने पर जनेऊ बरामद हुआ। हजूर जनेऊ? सिर्फ जनेऊ? जी हजूर। इलमदीन जल्दी कर, उसे काजी साहब के सामने पेश करो। बादशाह सलामत का अहद है कि हिंदुओं के सवा मन जनेऊ उतरवा कर ही खाना खाते हैं। तू जल्दी जा, इसे काजी साहब के हुजूर पेश कर। जी हजूर, मैं अभी जा रहा हूँ हजूर, बस अभी जा रहा हूँ। हजूर, काफिर हाजिर है। ओ, क्या नाम है तेरा? पंडित मोहनलाल। ओ मोहनलाल, पंडित मोहनलाल। देख मोहनलाल, अगर खैरियत चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, बहुत इनाम अकराम मिलेंगे और मरने के बाद जन्नत भी नसीब होगी। हम ब्राह्मण लोग होते हैं, खुदा के लिए मेरा धर्म भ्रष्ट मत कीजिए, मुझ पर रहम करो। रहम सिर्फ मोमन पर हो सकता है, काफिर पर नहीं। इलमदीन। जी हजूर। इसे काफिर होने का मजा चखाओ। इसकी चोटी काट। इसकी दाढ़ी भी काट। इसके मुंह में गोश्त ठूस। पंडित मोहनलाल। मेरे साथ क्या हो गया? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं कुछ भी ना कर सका लाजवंती। पर ये दिन तो ना देखने पर।
जबरन मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं? मगर इनको धर्मराज के पास अपने गुनाहों का हिसाब एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। सुबह जाने से पहले मैंने आपको कितना समझाया कि सिपाहियों से दूर ही रहना। मैं तो बचकर निकल गया था, मगर सिपाहियों ने पीछे से आकर मुझे दबोच लिया और मारना शुरू कर दिया। मैं लाचार और क्या करता लाजवंती। तो वही अशर्फियां उनके मुंह पर दे मारते। वो तो उन लोगों ने पहले ही छीन ली थी। मोहनलाल, मोहनलाल, ये क्या हो गया मोहनलाल? ये देखो इनका क्या हाल कर दिया। हमारे साथ ही ये सब होना था। धीरज रखो मोहनलाल, धीरज रखो। हम आज ही किसी और फरियाद लेकर जाने का मशवरा करेंगे। धीरज रखो। फरियाद लेकर जाएंगे कहाँ रामराज? हाकिम तो कसाई बने हुए हैं, अब हमारी मां कौन पकड़ेगा? बल छुट क्यों बंधन पर, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों होत सहाय, गज ज्यों होत सहाय। बात तो तुम्हारी ठीक है मोहनलाल, मगर है एक दर जहां हम अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं। वो कौन सा दर है? वो है बाबे नानक का दर। वो नहीं डरते इन मुगलों से। गुरु अर्जन देव जी तपती हुई तवी पर बैठकर भी अडोल रहे, और गुरु हरगोविंद जी ने मुगलों के साथ कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। अब वहीं गुरु तेग बहादुर जी हैं। मैं आज ही ब्राह्मण सभा से बात करूंगा कि वो अपनी फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास जाएं। वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे, वो हमारी बहां जरूर पकड़ेंगे। धन्य श्री गुरु तेग बहादुर, धन्य श्री गुरु तेग बहादुर, धन्य श्री गुरु तेग बहादुर। मंदिर गिराए जा रहे थे, तिलक मिटाए जा रहे थे, तरह तरह की यातनाएं देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ था, और कश्मीरी पंडितों के हालात तो बहुत बदतर हो चुके थे। ऐसे में कश्मीरी पंडितों ने विचार विमर्श किया, और पंडित कृपा राम की अगुवाई में सहायता के लिए गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंच गए। त्राहिमान, त्राहिमान, त्राहिमान। ए सच्चे पाशाह, औरंगजेब के हुक्म से हमें जबरी मुसलमान बनाया जा रहा है, हमारे तिलक मिटाए जा रहे हैं, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है।
हमारे जने उतारे जा रहे हैं। ए सच्चे पाशाह, हमारा क्या होगा? हम दुखी कश्मीरी पंडित आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। हमारी फरियाद सुनो हजूर, हमारी फरियाद सुनो हजूर, हमारी सहायता करो गरीब नवाज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। गुरुजी हमारी बड़ा पकड़। सतगुर आए तुमरे द्वारे, सतगुर आए तुमरे द्वारे, खोजत री तुम ब्रह्म उजागर, गौ ब्राह्मण तुम ही प्रीत पागर। शाह औरंगे यो लिख भरने, शाह औरंगे यो लिख भरने, राखो हिंदुअन हिंद मझारी, राखो हिंदुअन हिंद मझारी, राखो हिंदुअन हिंद मझारी, राखो हिंदुअन हिंद मझारी, राखो हिंदुअन हिंद मझारी। त्राही त्राही करते हुए कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के जुल्म की दास्तां गुरुजी को सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर गुरुजी उदास हो गए और गहरी सोच में लीन हो गए। कुछ समय बाद वो कहने लगे, इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और किसी महापुरुष को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी होगी। यह सुनकर कश्मीरी पंडित खामोश होकर रह गए। इतने में बाल गुरु गोविंद सिंह जी खेलते खेलते दरबार में आ गए और पिता गुरु जी को उदास देखकर कहने लगे, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो, यह ब्राह्मण क्या चाहते हैं? तो गुरुजी कहने लगे, बेटा इनका धर्म खतरे में है और इनके धर्म को बचाने के लिए किसी महापुरुष को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। तो बाल गुरु गोविंद सिंह जी एकदम बोल उठे, पिताजी इस दुनिया में आपसे बढ़कर महापुरुष और कौन होगा जो अपनी जान देकर इनके धर्म की रक्षा कर सके। यह सुनकर कश्मीरी पंडित हैरान होकर रह गए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उन्होंने मन ही मन तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए
अपना बलिदान देने का निर्णय कर लिया और उसी समय उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कह दिया कि जाओ जाकर कह दो उस औरंगजेब से कि उनका गुरु गुरु तेग बहादुर है, अगर वह गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बनाकर दिखा दे तो सारा हिंदू आवाम मुसलमान बन जाएगा। और कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर जी बाल गुरु गोविंद सिंह जी को गुरुता गद्दी सौंपकर यानी के अपना उत्तराधिकारी बनाकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और इसकी खबर औरंगजेब के दरबार में भी पहुंचती है। हाँ तो शेख, कोई खास खबर? हुजूर, हुकूमत की शरई नीतियों के खिलाफ कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर तेग बहादुर से मिले हैं। तेग बहादुर? वही तेग बहादुर जो किसी एक दीन का पैरोकार नहीं, जो न हिंदू है न मुसलमान? वही तेग बहादुर हुजूर, वही। खबरें तो हमारे पास पहले भी पहुंच रही थी कि वो हिंदुओं के तीर्थों पर जाता है जहां मजमा लगा होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, वहां वो बागियाना प्रचार करता है। अब तो ये खबर है हुजूर, जहां वो जाता है वहां मजमा लग जाता है, उसकी पीरगिरी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई है हुजूर, उसका असर और रसूख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब के गांव देहात में वो 30,000 नानक पंथियों के हुजूम को लेकर अपने मजहब के प्रचार के लिए निकलता है और लोगों से कहता फिरता है, ना किसी से डरो ना किसी को डराओ। ज्ञानी ताहे बखान। अच्छा, मुगलिया हुकूमत में कोई ऐसा शख्स भी है जिसको हमारा कोई डर नहीं? हुजूर, हुकूमत से जो विभागी होता है उसी के पास जाके पनाह लेता है, वो तो अपने आप को सच्चा बादशाह भी कहलाता है। हुजूर, अपने पैरोकारों से दसवंद के नाम पर जकात वसूल करता है, जकात। यानी के मुगल हुकूमत के लिए खतरा बनता जा रहा है। जी हजूर। तो शेख, उसने कश्मीरी पंडितों से क्या कहा है? उसने कश्मीरी पंडितों से कहा है कि वो उनकी हिफाजत करेगा, जबरी धर्म परिवर्तन नहीं होने देगा, बेशक उसे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। यानी के इस्लाम के खिलाफ बगावत? जी हजूर, उसने तो कश्मीरी पंडितों से यहाँ तक कह दिया कि जाओ जाकर कह दो बादशाह हिंद से उनका मुर्शद गुरु तेग बहादुर है, अगर बादशाह सलामत गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना के दिखा दे तो सारा हिंदू आवाम। शेख, एक तरह से ये खबर अच्छी भी है, अगर अकेले तेग बहादुर को मुसलमान बना लिया जाए तो सारा हिंदू आवाम इस्लाम के परचम तले आ जाएगा और तमाम हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। हुजूर ने दुरुस्त फरमाया, उस अकेले तेग बहादुर को मुसलमान बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है हुजूर। शायद वो हमारे बहादुर सिपाहियों के बारे में नहीं जानता कि हम कैसे कैसे तशद्दुद करते हैं, जब कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ी जाएगी
उसका जिस्म लहू लहान किया गया, तब वो तो क्या उसके फरिश्ते भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो शेख। हुजूर, खबर ये भी है कि वो अपने पैरोकारों के साथ बागियाना प्रचार करता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा है। क्या? इससे पहले कि तेग बहादुर दिल्ली पहुंचकर हुकूमत के लिए किसी मुसीबत का बायस बने, उस काफिर को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुजूर के हुक्म की तामील होगी। रामलाल, वो भाई रामलाल, क्या बात है भाई, बोलता क्यों नहीं, ना उदास क्यों है तू भाई? क्या बताऊं धर्मदास, खबर ही बड़ी दुख भरी है। कैसी दुख भरी खबर है भाई? गुरु तेग बहादुर जी को मुगल फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। उस इलाही चोट, गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया भाई, पता कैसे चला? भाई भंडारी ही बता रहा था। जी तो कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध दिल्ली जा रहे थे। हाँ भाई, भाई भंडारी ने ही बताया है कि दिल्ली जाते समय रास्ते में एक रात भाई निगाहिया के घर ठहर गए थे गुरुजी। दिन निकलने से पहले ही मुगल फौज ने गांव को घेर लिया और गुरुजी को गिरफ्तार करके ले गए। साथ कौन कौन था गुरुजी के? गुरुजी के साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी थे। बहुत लगता है मुखबिर पीछा कर रहे होंगे। ये कौन सी नई बात है, इन हाकिमों के मुखबिर तो सिखों के पीछे लगे ही रहते हैं। कुछ पता चला है कि गुरुजी कौन से बंदी खाने में बंद हैं? भाई भंडारी ही बता रहा था कि गुरुजी को बसी पठाना के बंदी खाने में रखा गया है। बसी पठाना? बसी पठाना का दारोगा तो बहुत जालिम है। जालिम, सुना है कैदियों पर बहुत जुल्म करता है। इन हाकिमों का कौन सा दारोगा है जो जालिम नहीं, सब एक से बढ़कर एक हैं। नहीं नहीं रामलाल, नहीं, तो बहुत जालिम है। थोड़े मार मार कर बदन को लहूलुहान कर देता है, उल्टा लटका देता है, गर्म लोहे से चमड़ी जला देता है। तभी तो भाई भंडारी बता रहा था कि गुरुजी को बहुत यातनाएं दी गई हैं, उनके सारे बदन पर सूजन ही सूजन थी। पहले गुरु नानक साहब को बंदी खाने रहना पड़ा, चक्की पीसनी पड़ी, गुरु अर्जुन देव जी को तपती हुई तवी पर बैठना पड़ा, गुरु हरगोबिंद साहब को कई बरस बंदी खाने में रहना पड़ा, और अब गुरु तेग बहादुर जी को कितना कष्ट दिया जा रहा है। पता नहीं सिखों पर यह जुल्म का सिलसिला कब खत्म होगा। अरे भाई, गुरु जी कहते हैं जे जीवे पथ लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। भाई धर्मदास, अगर इज्जत के साथ जीना चाहते हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। जे जीवे पथ लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। एक बात तो बता भाई रामलाल, गुरुजी खुद तो जनेऊ पहनते नहीं, फिर इसकी हिफाजत करने क्यों चल पड़े? धर्मदास, ऐसा लगता है कि तू गुरुजी के उपदेश
ध्यान से नहीं सुनता। गुरुजी तो बहुत ऊंची बातें करते हैं। वो कहते हैं हम अपने विचारों की आजादी के साथ साथ दूसरों के विचारों की आजादी भी चाहते हैं, भले ही हम उससे सहमत ना भी हो। धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर। रामलाल, भाई रामलाल, दिल्ली के सिखों ने बताया है गुरु तेग बहादुर जी को आगरे से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरे से? देखा देखा, ये हाकिम पता ही नहीं चलने देंगे कि गुरु जी की गिरफ्तारी कहां से हुई है। दिल्ली के सिखों ने तो ये भी बताया है कि गुरु जी को बहुत तसीहे दिए गए हैं, उनके सारे बदन पर सूजन ही सूजन। भाई भंडारी भी तो यही कह रहा था। वो ये भी कह रहे थे कि गुरु जी को पिंजरे में बंद करके दिल्ली चांदनी चौक कोतवाली में ले जाया जा रहा है। चांदनी चौक कोतवाली ले जाया जा रहा है? इसका मतलब बादशाह गुरुजी से अपनी बात मनवा के ही रहेगा। नहीं धर्मदास, नहीं, बादशाह गुरुजी से अपनी बात मनवा नहीं सकता। गुरुजी अपने विचारों पर पहरा देना जानते हैं। गुरुजी बहुत सिलरी हैं, बहुत सिलरी। देख लेना, वो अपनी बातों पर अटल रहेंगे। वो शीश तो दे देंगे मगर सिरड़ नहीं छोड़ेंगे। धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग, धन धन गुरु तेग बहादुर, 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 तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। हाँ तो शेख, क्या कहता है वो तेग बहादुर? हजूर, मैंने तो उससे अपनी बात मनवाने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने उससे कहा कि आप हुकूमत की शरई नीतियों की मुखालफत छोड़ दें और फकीरों की तरह अपने डेरे में रहें, तो बादशाह सलामत की ओर से आपको कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, बल्कि बादशाह सलामत के मुबारक से सदके आपको सरकारी खजाने से लंगर चलाने के लिए खर्चा भी अदा किया जाए। तो फिर क्या कहा उसने? हुजूर, वो कहता है कि गुरु घर के लंगर का खर्चा बादशाहों के टुकड़ों से नहीं बल्कि संगत के दसवंत से चलता है। बहुत गुस्ताख शख्स है। हुजूर, वो तो ये भी कहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं, एक ही अल्लाह पाक के नूर से पैदा हुए हैं दोनों। वो तो कहता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। नहीं, ये तो सरासर कुफ्र है, कुफ्र। मोमिन और काफिर, मुसलमान और हिंदू कभी बराबर नहीं हो सकते। हुजूर, मैंने तो उससे ये भी कहा कि आप खुद तो जनेऊ पहनते नहीं हो, फिर जनेऊ उतारे जाने की मुखालफत क्यों करते हो? वो कहता है कि बेशक हम जनेऊ नहीं पहनते, लेकिन जोर जबर से उतारने भी नहीं देंगे। जबर के खिलाफ आवाज उठानी, वो कहता है, हमारे लिए तो इबादत है इबादत। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं, शायद वो भूल चुका है कि मेरे दादा जान शहंशाह जहांगीर ने उसके दादा अर्जुन देव के साथ क्या सलूक किया था। शायद उसे पता नहीं हुकूमत के बागियों का हम क्या हशर करते हैं, और बागी चाहे हमारा सका भाई या बाप ही क्यों ना हो, हम बगावत बर्दाश्त नहीं करते। हुजूर,
उस पर पूरे 8 दिन तशद्दद किया गया। कोड़े मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, जिस्म को लहू लुहान कर दिया गया। उसके सिर पर तो गरम गरम रेत डाल दी गई और गरम गरम लोहे से उसकी चमड़ी को जला दिया गया। और उसने तो उफ तक नहीं की। अच्छा, इतने सख्त जान है ये लोग। हुजूर, इसी बात से तो मैं खुद परेशान हूँ कि जिस इंसान पर इतना तशद्दद किया गया हो, भूखा प्यासा रखा गया हो, उसके चेहरे पर नूर कैसे हो सकता है? हुजूर, उसके चेहरे पर तो एक अजीब सा नूर नजर आता है। नूर बस कर शेख, बस कर। अब तो इंतहा हो गई है शेख, इसी वक्त काजी साहब को साथ लेकर जाओ और तेग बहादुर के साथियों को उसके सामने शरेआम ऐसे खौफनाक तसीहे दे के मारो कि वो दहल जाए और दीन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। जो हुक्म आली जा। अपने आप को इस्लाम का अलंबरदार समझने वाला औरंगजेब असल में इस्लाम से तो कोसों दूर था। वो तो बस इस्लाम का नाम लेकर सत्ता पर काबज रहना चाहता था और सत्ता के इस रास्ते में उसे जो भी बाधा बनता नजर आया उसने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने तो सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता को कैद में रखा और यातनाएं दे देकर कैद खाने में ही मरवा डाला। उसने तो अपने सगे भाई और बेटियों को भी सदा की नींद सुला दिया। हकूमत के नशे में चूर वो समझ रहा था कि अवाम तो बेजबान जानवर हैं। वो लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहेगा तो लोग बिना किसी विरोध के इस्लाम कबूल कर लेंगे। शायद वो भूल गया था कि मानवता के रखवाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। वो सर कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ठीक इसी तरह हुआ था उस दिन दिल्ली के चांदनी चौक में। क्या खबर है शेख? हुजूर, आज मैं काजी साहब के हमराह चांदनी चौक कोतवाली गया था। हुजूर, चांदनी चौक पे बड़ा जबरदस्त तमाशा हुआ। अच्छा, तेग बहादुर और तीनों सिख सभी के सभी अलग अलग पिंजरे में बंद थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम था और काजी साहब किताबे कानून के साथ मौजूद थे। अच्छा, और सिपाही काजी साहब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर काजी साहब ने हुक्म दिया और उधर सिपाहियों ने मती दास को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। फिर हुजूर, काजी साहब ने मती दास को समझाया, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। बादशाह सलामत बहुत रहम दिल है, दीन इस्लाम कबूल करोगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। यकीनन, बल्कि इनाम व इकराम से माला माल भी कर देंगे। तभी तो कह रहा हूँ कि हुकूमत की नीतियों के खिलाफ अर्जी छोड़ दो। फिर मती दास ने क्या कहा? हुजूर, मती दास ने चीख कर कहा, नहीं, अगर अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान ही बनाना होता तो पैदा ही मुसलमान बना कर करता। ये सुनकर काजी साहब तिलमिला उठे और उन्होंने फौरन फतवा दे डाला कि इस गुस्ताख मती दास को आरे के साथ चीर कर दो फाड़ कर दिया जाए। फिर क्या था हुजूर? मती दास को खड़ा करके लकड़ी के दो थंब उसके दाएं और बाएं गाड़ दिए गए। उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए। जब जलादों ने आरा चलाना शुरू किया तो खून के तुफके तिप तिप करके जमीन पर गिरने लगे। वाहे गुरु
फिर मतीदास गिड़गिड़ाया होगा, दर्द से तड़पा होगा और रहम की भीख भी मांगता होगा। नहीं हुजूर नहीं, वो तो एकदम खामोश था और उसने तो बस इतना ही कहा कि मेरा चेहरा मेरे गुरु की तरफ घुमा दिया। हड्डियां बहुत सख्त होती है शेख, चीरने में जलातों को बहुत वक्त लगा होगा। हुजूर खोपड़ी को चीरने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन हड्डियां और गोश्त तो तेज धार आरे ने देखते ही देखते चीर डाले। बड़ी दिलचस्प मौत रही ये, जिसे देखकर काफिरों के दिल सहम गए होंगे। शाही काजी बहुत ही अकलमंद हैं, जिन्होंने ऐसा फतवा दिया। हुजूर फिर बारी आई दयाले की, उससे भी काजी साहब ने वही सवाल दोहराया, दीन इस्लाम कबूल करते हो या मौत। उसने तो बहुत गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की उसने? उसने हुजूर की शान के खिलाफ बहुत बेहुदा अल्फाज बोले और हुजूर की रहम दिल सरकार को उसने जालिम भी कहा। हुजूर उसकी ये मजाल। हुजूर काजी साहब ने फैसला सुनाया, इस गुस्ताख शख्स को देग में उबाल दिया जाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या था हुजूर, एक बहुत बड़ी देग मंगवाई गई, उसमें पानी भरकर उबाला गया और दयाले को उस उबलती हुई देग में फेंक दिया गया। आलुओं की तरह उबाल दिया हुजूर, आलुओं की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब शेख, बहुत खूब। काफिर की गुस्ताखी की यही सजा होनी चाहिए। पर हुजूर अफसोस की बात तो यही है कि देग में उबलते हुए भी वो वाहेगुरु वाहेगुरु की रट लगा रहा था। फिर क्या हुआ? हुजूर उधर सतीदास बंद पिंजरे में चिल्ला रहा था और चीख चीख कर कह रहा था कि बहुत जुल्म हो रहा है और ये जुल्म एक दिन मुगलिया सल्तनत को तहस नहस करके रख देगा। उसको भी पिंजरे से बाहर निकाला गया, किताब कानून खोल के सुनाया गया, दीन इस्लाम कबूल करते हो या मौत। फिर क्या कहा उसने? उसने भी दीन इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया हुजूर। उसके लिए तो काजी साहब ने बहुत ही खौफनाक मौत की सजा तजवीज की। कैसी सजा? उसके जिस्म के इर्द गिर्द रुई लपेट दी गई और लोगों के हुजूम के सामने तेल डाल डाल कर जिंदा जला दिया गया। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। दिल्ली के लोगों को दिल्ली की गलियों में किसी सिख को शरियाम जिंदा जलाए जाने का तमाशा शायद फिर कभी देखने को ना मिले। लेकिन हुजूर वो आग की लपटों में जलता हुआ भी वाहेगुरु वाहेगुरु बोलता रहा। और तेज बहादुर वो उस वक्त क्या कर रहा था? हुजूर वो तो पिंजरे में बंद था, सब कुछ देखते हुए भी खामोश था, बस अपने मुंह में बाबा नानक के कुछ शेर गुनगुना रहा था। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। इनको आरे से चिरवा दिया गया, देग में उबाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया और इन्होंने उफ तक नहीं की। लेकिन औरंगजेब के रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। शेख, शाही काजी से कह दो कि तेग बहादुर को हर हालत में दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। अगर मार करे तो उसको शरियाम कत्ल करके पूरी दिल्ली में नुमाइश की जाए और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के बाजारों में लटका दिए जाए। जो हुक्म आली जहां। बहुत जुल्म हुआ है, आज किसी के घर चूल्हा नहीं जला। इतना बड़ा जुल्म ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना। नए नए ढंग निकालते हैं कत्ल करने के, कहते हैं आरे से चिरवा दो, उबलती देग में डाल दो और जिंदा जला दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क पे खुदा का कहर नाजुल होके रहेगा। कितनी बेरहमी से मारा है सिखों को, अब अपने लोगों की खैर नहीं। पता नहीं अब गुरुजी पे कौन सा कहर टूटेगा। हिंदू धर्म तो अब खत्म हुआ समझो, बादशाह जालिम तो है ही, अड़ियल भी है, वो गुरुजी को मुसलमान बना के ही छोड़ेगा। नहीं नहीं धनीराम, ये तुम क्या कह रहे हो, वो गुरु तेग बहादुर जी हैं, शहीद दादे गुरु अर्जन देव जी के पोते और दल भंजन जोधे गुरु हरगोविंद जी के सपूत। वो एक बार जिसकी बा पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। वो तो कहते हैं बाहें जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाही ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर बोलिया, हर पैये धर्म ना छोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। हाँ तो शेख, आज की क्या खबर है? हुजूर, आज फिर बड़ा दिलचस्प तमाशा हुआ। दिन निकलने से पहले ही चांदनी चौक में दूर दूर तक हुजूम इकट्ठा हो गया था। लोग कह रहे थे कि खुदा खैर करे, आज कहर बरसने वाला है। फिर एक बहादुर को बंद पिंजरे में से बाहर निकाला गया, उसके जिस्म पर छाले ही छाले थे, उसके बदन पे कोड़े के निशान नजर आ रहे थे जिनमें से खून रिस रहा था। फिर पर उसके चेहरे पर फिर भी अजब सा नूर था। उसने कुएं में से पानी लिया, वजू किया, मुंह पे पानी के छींटे मारे,
फिर बड़े इत्मीनान से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मुंह में कुछ बोल रहा था पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इधर काजी साहब पहुंच गए और जलाद जलालुद्दीन समाने वाला हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। जैसे ही उसने तलवार लहराई लोग सहम गए। हुजूर, लोग तो सांसें थाम कर तमाशा देख रहे थे। काजी साहब ने किताब कानून खोली और कहा, करामात दिखाओ या दीन इस्लाम कबूल करो। तेग बहादुर ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। हुजूर, फिर वो सिजदे की तरह सिर झुकाकर बुलंद आवाज में बोलने लगा, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जलाद जलालुद्दीन समाने वाले ने शाही काजी के इशारे पर गुरु के झुके हुए सर पर तलवार का जोरदार वार किया और एक आवाज आई और गुरु का सिर धड़ से जुदा हो गया। बिकर पोर दिलीस से प्रभुपुर किया प्यार, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन हुआ। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। मुझे तो लगता है कि तू अफसाना निगार भी है। तुमने तो ऐसे हालात बयान किए जैसे सारा मंजर आंखों के सामने गुजर रहा हो। शेख, ये भी बताओ कि बागियों के मारे जाने के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, लोग शादियाने बजाते होंगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे। शेख, चुप क्यों हो, बोलो। जान बख्शी जाए हुजूर, बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। जल्दी बताओ, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सारा आवाम अफसोस में था। सब रो रहे थे, कुरला रहे थे और कह रहे थे, पीरे हिंद को कत्ल करके बादशाह सलामत ने अच्छा नहीं किया। नहीं शेख, नहीं, तू सियासत के दाव पेच नहीं जानता। तेग बहादुर को कत्ल करके जहां हमने बगावत के बीज खत्म किए हैं, मुगलिया सल्तनत की जड़ें पुख्ता की हैं, वहीं इन काफरों को खत्म करके इस्लाम की खिदमत भी की है। इस्लाम की खिदमत भी की है। नहीं बादशाह सलामत, लोगों पर जुल्म करना इस्लाम की खिदमत नहीं, इस्लाम की तौहीन है। जुल्म करने से बगावत के बीज खत्म नहीं होते बल्कि और पैदा होते हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते हमने कई लोग देखे हैं। अपने विचारों की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए भी हमने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन किसी दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए, किसी दूसरे के विचारों की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए हमने गुरु तेग बहादुर जी और तीन सिखों के अलावा आज तक कहीं कोई नहीं देखा। कुर्बानी तो हजरत ईसा ने भी दी थी, परंतु अंत के समय कष्टों से डरते हुए उनके शिष्य उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के किसी भी शिष्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हंसते हंसते जामे शहादत पी गए।
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद बड़ा ही दर्दनाक नजारा था उस दिन चांदनी चौक में। बरगद के पेड़ के नीचे गुरु जी का धड़ और शीश अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे। उनमें से रिसता हुआ खून रास्ते की तरफ बह रहा था। भाई मती दास जी का कटा हुआ शरीर दो लकड़ी के टुकड़ों में लटक रहा था और बड़ी देग के नीचे आग अभी भी सुलग रही थी। भाई दयाला जी का शरीर उस उबलते हुए पानी में घुल चुका था, केवल पिंजर ही बाकी रह गया था। रास्ते के दूसरी तरफ राख में बिखरी हुई कुछ हड्डियां नजर आ रही थी। भाई सती दास जी का सारा जिस्म जलकर राख हो चुका था, हजूम बिखर चुका था। रात का उदास अंधेरा पांव फैला रहा था, चारों ओर सख्त पहरा था, दहशत और भय का माहौल था। फिर भी हिम्मत करके कुछ सिख इकट्ठे हुए और मशवरा करने लगे। चलो बेटा अंदर चलकर खाना खा लो। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा रात ढलती जा रही है और फिर कब खाओगे? नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। चल बेटा थोड़ा सा तो खा ले। मैं कह रहा हूँ ना माँ, मैं नहीं खाऊंगा। क्या बात है, मेरा बेटा खाना क्यों नहीं खाएगा? पता नहीं माँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने को। हाँ बेटा, आज किसका मन करेगा खाना खाने को? क्यों, ऐसा क्या हो गया? आखिर वही हुआ जिसका डर था। किस बात का डर था? जालिमों ने आज गुरु तेग बहादुर जी को भी शहीद कर दिया। नहीं, नहीं। गुरु जी ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जपुजी साहब के पाठ के उपरांत क्यों ही नमस्कार करने के लिए सर झुकाया, जल्लाद ने झुके हुए सर पर तलवार का बार करके गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हे वाहेगुरु, हे वाहेगुरु, हे वाहेगुरु, हे वाहेगुरु। बादशाह ने ये भी कहा है कि गुरुजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के बाजारों में लटका दिए जाए। वाहेगुरु, इन पापियों को कभी ना बख्शना, कभी ना बख्शना, कभी ना बख्शना। मेरा तो मन करता है कि बादशाह के टुकड़े टुकड़े कर दूं। संभलो भाई संभलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। रात का समय है, इससे पहले कि गुरुजी के धड़ और शीश के साथ कुछ बेअदबी हो, क्यों ना गुरुजी का शीश और धड़ वहां से उठा लिया जाए। भाई पहरा बहुत सख्त है, चप्पे चप्पे पर सुहिए और सिपाही गश्त कर रहे हैं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। ऐसी सूरत में गुरुजी का धड़ कंधे पर उठाकर हम भाग नहीं सकेंगे। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, भाई लक्की शाह बंजारा के पास बैल भी हैं और बैलगाड़ियां भी। आज ही उनका पूरा काफला नारनौल से आना था, क्यों ना भाई लक्की शाह से मिलकर कोई युद्ध लड़ाई जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है भैया। मैं तो कहता हूँ समा जाया मत करो, अभी निकल चलो। क्यों भाई, पहरा बहुत सख्त है, चप्पे चप्पे पर सुहिए और सिपाही गश्त कर रहे हैं, बच बचा कर जाना, अकेले अकेले निकल चलो। चलो 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 चलो। लक्की शाह, भाई लक्की शाह दरवाजा खोलो, लक्की शाह, भाई लक्की शाह दरवाजा खोलो।
क्या बात है भाई, इतनी रात गए, सब कुशल तो है? नहीं भाई, भाना वर्त गया। क्या हुआ? आज गुरु तेग बहादुर जी को भी शहीद कर दिया गया। क्या? हाँ। हे वाहे गुरु, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। भाइयों, जो सेवा कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने ये भी कहा है कि गुरुजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के बाजारों में लटका दिए जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा तन मन धन सब गुरु का है। निगाहिया जी। पिताजी। बेटा, सभी बैलगाड़ियां जोत लो और चलो चांदनी चौक की तरफ। जो आज्ञा पिताजी। ध्यान से जाना भाई, आज पहरा बहुत सख्त है। चलो चलो भाई। चलो भाई चलो। उधर आधी रात बीत चुकी थी, चारों तरफ घोर अंधेरा था। ऐसे में भाई लक्खी शाह और उसका बेटा निगाहिया अपनी बैल गाड़ियों को लेकर चांदनी चौक की तरफ बढ़ने लगे। भाई आज्ञा, भाई जैता, भाई नानू और भाई उदा राठौड़ उन बैल गाड़ियों की ओट में छिपते छिपाते उनके साथ चल दिए। जब वो चांदनी चौक के नजदीक पहुंचे तब अचानक जोरदार आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस आंधी और तूफान से बचने के लिए मुगल सिपाही थोड़ी ही दूर एक छत के नीचे चले गए। ऐसे में मौका देखकर भाई जैता गुरुजी का शीश लेकर गायब हो गया। भाई लक्खी शाह बंजारा ने अपने बेटे की सहायता से जल्दी जल्दी गुरुजी का धड़ एक बैलगाड़ी में रखा और बैलगाड़ी दौड़ाता हुआ चांदनी चौक से दूर निकल गया। जब तक मुगल सिपाहियों को पता चलता तब तक गुरुजी का शीश और धड़ गायब हो चुके थे। चलो चलाई हो गई, गड़ गड़ बरसे मेघ, लक्खी बंजारा ले गया तू खड़ा तमाशा देख। क्यों जनाब, सो रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ सो रहा था, सो तो तू रहा था। मैं तो सारी रात मूसलाधार बारिश के बावजूद गुरु की लाश पर पहरा देता रहा हूँ। मैं भी जनाब सारी रात आंधी तूफान में पहरा देता रहा हूँ। अच्छा, पहरा देता रहा है तू? हैं, ये क्या, गुरु का शीश और धड़ तो दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर पहले तो यही था, मैं यहीं पे पहरा दे रहा था। पहरा दे रहा था? हाँ जनाब, मैं तो यहीं पहरा दे रहा था। कुछ देर पहले तो गुरु का शीश यहीं था। पर गुरु का शीश और धड़ तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो देख मती दास का कटा हुआ शरीर भी यहीं पड़ा है। वो देख भी यहीं पड़ी है जिसमें दयाले को उबाला गया था। सती दास का जला हुआ पिंजर भी वहीं पड़ा है, मगर गुरु का धड़ और शीश दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढो ढूंढो करमदीन, ढूंढो। जी जनाब। जल्दी करो, यदि बादशाह हजूर को पता चल गया तो वो तो हमारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। करमदीन, तू यहीं खड़ा होकर पहरा दे, मैं महसूल से पता करके आता हूँ कि गई रात यहाँ से निकला कौन कौन है। तू यही रहना, मैं अभी गया और अभी आया। या अल्लाह रहम करना।
करमदीन, ओ करमदीन, पता चल गया, चल गया पता। अच्छा हजूर, वो रायसीना नगरी वाला लक्की शाह बंजारा कल रात के समय बैलगाड़ियों के बड़े काफले के साथ यहाँ से गुजरा है। लक्की शाह बंजारा? लक्की शाह बंजारा तो गुरु का पक्का सिख है। अच्छा, लक्की शाह बंजारा गुरु का पक्का सिख है? तो चल फिर, पहले लक्की शाह के घर की तलाशी ली जाए। चल मेरे साथ। चलो जनाब, चलो। क्यों भाई, लक्की शाह बंजारा का घर कौन सा है? वो सामने जिस घर में आग लगी है वही है लक्की शाह का घर। करमदीन, लक्की शाह का घर तो धू धू कर जल रहा है, इसका मतलब लक्की शाह भी घर में जलकर मर गया होगा। चल करमदीन, इस बात की इतला हाकम को दी जाए। चल। जी जनाब, चलो चलो जनाब, चलो। तेग बहादुर के चलते भयो जगत को सोग, है सब जग भयो, जय 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 सुर लोक। तन तन गुरु तेग बहादुर, तन तन गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। तन तेग बहादुर, तन तन गुरु तेग बहादुर, तन तेग बहादुर, तन तन गुरु तेग बहादुर। भाई लक्की शाह बंजारा ने गुरु जी का धड़ अपने घर में लाकर रखा और सारे घर को आग लगाकर उसने गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली में उसी जगह आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है। उधर भाई जैता गुरु जी का शीश लेकर अपने घर आ गया। उसने बड़े अदब के साथ गुरु जी के शीश को रुमाले में लपेट कर एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में घर से निकल गया। रास्ते में भाई आ गया, भाई नानू और भाई उदा राठौड़ उसके साथ मिल गए। दिन रात एक करके चलते गए, चलते गए, चलते गए और चौथे दिन चक नानकी यानी कि आनंदपुर साहिब पहुंचकर उन्होंने सारी विथिया बाल गुरु गोबिंद सिंह जी को सुनाई। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने रुमाला हटाकर पिता गुरु जी का कटा हुआ शीश देखा तो कह उठे, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मह साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उचरी। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया वहां आज गुरुद्वारा शीश गंज साहिब सुशोभित है, जहां हर रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग नतमस्तक होते हैं। उधर दिल्ली के सिखों ने कई दिनों की कोशिशों के बाद भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी के शरीर के बचे हुए टुकड़े उठवा लिए और बड़े अदब के साथ जमुना के किनारे भोगलपुरी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गुरु जी को शहीद करने के बाद जालिम औरंगजेब समझ रहा था कि उसने लोगों की आवाज को दबा दिया है, लेकिन उसकी ये गलत फहमी एक दिन दो छोटे छोटे सिख बच्चों ने दूर कर दी। 27 अक्टूबर सन 1676 के दिन जब औरंगजेब जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लाल किले की ओर लौट रहा था
तो रास्ते में दो छोटे छोटे सिख बच्चे खेल रहे थे। आओ देखते हैं क्या करते हैं ये छोटे छोटे सिख बच्चे। अरे वो देख अमरूद के पेड़। हाँ भाई देख कितने सारे अमरूद लगे हैं। हाँ भाई हाँ बहुत अमरूद लगे हैं। तुझे पता है मेरा निशाना बहुत पक्का है, एक पत्थर मारूंगा सारे अमरूद नीचे आ जाएंगे। ओए निशाना तो मेरा भी कच्चा नहीं है, एक पत्थर मारूंगा सारे का सारा पेड़ खाली कर दूंगा। चल आ जा फिर देखते हैं। चल ए हा। अरे देख मेरे वाला अंदर से लाल है। अरे मेरे वाला तो बहुत मीठा है। वो देख लाल किला, यहाँ बादशाह रहता है। ये किसे नहीं पता। तुझे पता है बादशाह बहुत जालिम है, उसने हमारे गुरुजी को शहीद कर दिया है। हाँ पता है बादशाह ने बहुत जुल्म किए हैं हमारे गुरुजी पर। अरे मेरा बस चले तो मैं उसका गला घोट दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी गर्दन उतार दूं। पर हम तो बच्चे हैं, हमारे हाथ उसकी गर्दन तक कैसे पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंच सकते, ले चढ़ मेरे कंधों पर। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, सल्तनत हिंद बादशाह औरंगजेब की सवारी आ रही है। अरे बादशाह की सवारी आ रही है, हम पेड़ के पीछे छुपकर बादशाह को देखते हैं। ठहर ये पकड़ पत्थर, जब बादशाह की सवारी गुजरेगी तब पत्थर मारेंगे, फिर देखेंगे कि किसका निशाना पक्का है। मैं तो पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दूंगा। अरे मैं तो पत्थर मारकर उसका ताज उछाल दूंगा। हाँ ठीक है, वो देख आ गई बादशाह की सवारी, चल मार। ए हा। पकड़ो 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 इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। कौन है तू। मैं गुरु का सिख हूँ। बादशाह सलामत को पत्थर क्यों मारा है। बादशाह जालिम है, उसने हमारे गुरुजी को शहीद किया है, इसीलिए पत्थर मारा है मैंने। तुझे पता है तेरे इस जुर्म के बदले तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। हाँ मुझे पता है, मेरा सिर जाए ता जाए, मेरा सिक्की सिदक ना जाए। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद औरंगजेब का खौफ खत्म हो गया था, और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की, जिसने सदियों पुरानी मुगलिया हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका था। गुरु गोविंद होय प्रगटिया दसवें अवतारा, जिन अलख अपार निरंजना जपियो करतारा, निज पंथ चलायन खालसा तर तेज करारा। बोले रचियो खालसा साबत मर्दाना, यूं उठे सिंह पवकार के सब जग डर पाना, ते सब दुष्टन को छेद के अकाल जपाना। बोले Thank you.
सरपंथ चलायन बड़ सूर गुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला बोले सोनिहा खंड तार होए तनम सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला बोले सोनिहा सतसंग जी जोरदार जकारा संगतों चाहिए ता कि पता लगे कि तुहानू इतिहास हुण याद हो गया।